गीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। Shizan Khan's family members on Monday claimed that he was falsely implicated in the case of death of co-star Tunisha Sharma by the latter's mother. Mr. Khan's mother and two sisters said Ms. Sharma was like their family member and alleged the victim's mother used to force her to work even as she wanted to enjoy life. She was also alleged that Ms. Sharma had checked the phone of Mr. Khan, with whom she was in a relationship before breaking up recently, and found his WhatsApp chats with some other women. Responding to the allegations, Falak Naz said Ms. Sharma was like their family member. Ms. Naz and Ms. Sharma and her mother used to come to their home on many occasions. We never forced anyone to do anything. Mr. Khan's mother said Ms. Sharma's mother should produce evidence for the allegations that she has been making against him. We also want justice for Tunisha, but her mother is trying to falsely implicate Shizan in the case. That is not correct. We had decided to give Tunisha a surprise on her birthday on 4th January. On the allegations that Ms. Sharma was forced to wear a hijab and visit a dargah, she said, "We never asked her to do anything." Referring to a picture of Ms. Sharma wearing a hijab that has now gone viral, Mr. Khan's another sister claimed that the actor wore the headscarf for a shoot. एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम मायथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकालें फिर शॉट में जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है जो कि आप देख सकते हो, टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये इधर ये वो पिक्चर है जो टुनिशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे थर्ड सितंबर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था जिसमें, ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21, 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है, जिस फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी, मम्मा को बोलती है एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। इधर इधर कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता, इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है, बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली, मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं, हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब किसी, सपोज मैं किसी
किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माय फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत और मरोड़ के बताया है कि बस फंस जाए, फंस जाए। मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक, क्या था ये ब्लैक मैजिक? व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली, एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कज़न सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ OCD था, वो काम नहीं करना चाहती थी। लेट मी क्लियर दिस, उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक, दाना पानी। और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी, उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं उसकी। तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी टुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी, इतने फोन करती थी कि टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, एक सेकेंड, अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहाँ भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जिस दिन टुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी और उस बात में वो, उसने ये कहा था और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है, तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे EP से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तेरी, तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मेरी, मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूज़िक एल्बम, 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फ़ोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे, बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मम्मा, अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था छोटे वाले का, और 25th को क्रिसमस डे पे, और 24th को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो उसने, वो उसको भाईजान बोलती थी, उसने बोला कि मम्मा, अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है, आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट्स दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ, बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था।
फलक एक सवाल यह है कि सवाल एक मिनट लगाया गया कि सुजान ड्रग्स लिया करता था, इस पर आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, मारने पे ही आपको जवाब दिया है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है, तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी हुई नहीं है। तो माँ को बुलाया तो गलत है, और कैसी हेल्प करें? जो उनकी बायोलॉजिकल मदर है उनको बुलाया गया है।